दीपक केसरकर बागी गुट के विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक जी, यही तो चाहते थे आप, फ्लोर टेस्ट हो, वहां पर आप बहुमत साबित कर लें, अब वही हो रहा है। वही हो रहा है, सही है। तो खुश हैं आप? कब तक लौट रहे हैं मुंबई वापस? बिल्कुल खुश है, कल सुबह हम लोग मुंबई वापस लौट जाएंगे। कल सुबह? हाँ। ये जो राज्यपाल की ओर से स्टेप उठाया गया है, आपको लगता नहीं थोड़ा और पहले होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास तो बहुमत काफी दिन पहले से मौजूद था और लगातार आप क्लेम भी कर रहे थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट का केस, वो इसमें राहत मिलने के बाद सब चीजें आसान हो गई है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और जो अपील हम लोग कर रहे थे पक्ष प्रमुख उद्धव जी से, उद्धव साहब से हमने कल तक बोला था कि कल तक जो भी उनका निर्णय है वो ले, लेकिन अब तो वो समय निकल गया। हम लोग वो महाविकास आघाड़ी से अगर निकल जाते तो कुछ अलग हो सकता था, मतलब उनके नेतृत्व में बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता था, लेकिन अभी ये पॉसिबल, अब तो वो दरवाजे टूट गए हैं ऐसे हमें लगता है। आगे चलते वो क्या होगा मुझे मालूम नहीं, वो सिंधे साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन हम तो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मुलाकात राज्यपाल और फडणवीस जी के बीच में हुई, उस मुलाकात के बाद ही अचानक फ्लोर टेस्ट बुलाया गया, इसमें एकनाथ शिंदे जी का क्या रोल था, इसको आप स्पष्ट करेंगे? देखिए, हमने तो हमारा जो निर्णय है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ही लिखा है कि हम इस आघाड़ी को समर्थन नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारी भूमिका स्पष्ट थी और उसका जो उसके जो कॉपीज है वो भी दिए गए हुए हैं राज्यपाल जी को। जब तक वो खुद ये नहीं मानते कि ऐसा हो गया है, तब तक ये फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाते, तो उसकी भी कॉपी उनको दी गई है। आप अलग पार्टी बनाएंगे या फिर नहीं? नहीं, हम ही जो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो शिवसेना ही है, और उस शिवसेना जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है महाराष्ट्र असेंबली में, उसका तो नेतृत्व शिंदे साहब ही करते हैं, तो वो तो पक्का है कि वो हमारी पार्टी रहेगी, वो हमारे नेता रहेंगे, हम उनके अंडर सम लोग काम करेंगे, सब एमएलए और जो 14 बचे उनको भी उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर आपने सवाल उठाया था, वही फ्लोर पर मौजूद रहेंगे? देखिए, ये तो खुद ही जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी निर्णय हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। मेरे सुप्रीम कोर्ट में भी उनको पूछा गया था, फिर 16 लोगों के 18 लोगों को ही आप क्यों ये कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे विधायक प्रेजेंट नहीं थे, तो इतने ही लोगों को कर रहे हैं, तो उसका जवाब वो नहीं दे सके। लेकिन दीपक जी, जो शिवसेना का संविधान है उसके मुताबिक उद्धव उसके नेता हैं, लीडर हैं, अब आप एकनाथ शिंदे को अपना लीडर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है दरअसल गलत है और संविधान के मुताबिक नहीं है, उनकी पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं है। देखिए, ये दो अलग चीजें हैं। जब पासवान इसका ये पढ़ लीजिए, उसने क्लियर कट बोला है कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है ये अहमियत नहीं रखता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है और एक्ट क्या बोलता है ये अहमियत रखता है। इसीलिए जब हम पार्लियामेंट्री पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हम लोग सबका एफिडेविट बनाते हैं, हम जो लोग जीत के आए उसके सर्टिफिकेट उसको लगाते हैं, फिर एक हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि हमारे पार्टी के नेता है, वो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता बन जाते हैं। ये तो पक्ष नेता है, पक्ष तो रहता है इसके बाहर, और इसके बारे में तो जजमेंट है कोर्ट के, तो इसमें कुछ सवाल नहीं उठता है इसके बारे में। जो पासवान केस है उसमें क्लियर कट डिसीजन दिया गया है। दीपक जी, अभी तो एडवांटेज शिंदे नजर आ रहा है, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ आदित्य ठाकरे की ओर से और संजय राउत की ओर से कहा गया कि जब विधायक मुंबई लौटेंगे तब पासा पलट जाएगा, उनका मन भी बदल जाएगा। ये हम इसको सपने बोलते हैं, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। मैडम, मैंने उनको बोला था कि आपके जितने भी विधायक है हमें बोलिए, हम उनको सुखरूप पहुंचा देंगे मुंबई में, तो वो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। हमने पूछा आपको किसी को जाना है क्या, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और वो राउत के साथ तो बिल्कुल किसी को नहीं जाना है। तो आदित्य ठाकरे क्यों कह रहे हैं कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं, फोन पर बातचीत हो रही है? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि उनपे कोई बातचीत नहीं हो तो हम सब लोगों का मोबाइल हमने इकट्ठा पहले करके शिंदे साहब को दिया था, उन्होंने भी वापस किए हैं, इसलिए एटलीस्ट वो फोन तो कर सकते हैं ना। फोन करने के बाद हम ऐसे बोलेंगे कि हम होते कि नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं, आप मुझे फोन मत करो,
एज ए कर्टी लोग फोन उठाते हैं, ठीक है देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन देखना क्या है, वो तो डिटरमिंड है, इसलिए निकल गए आ गए ना यहाँ पे, नहीं तो कैसे आते यहाँ। दीपक जी, अब फ्लोर टेस्ट के बाद शिवसेना का एक विकल्प ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संजय राउत इस बारे में स्पष्ट तौर पर कह भी चुके हैं कि हम अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अगर फ्लोर टेस्ट की बात की जाती है तो। हाँ, वो उनको जाने दीजिए, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी उन्होंने गलत किया था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए या दबाव तंत्र बनाने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में स्क्रैच ही करना चाहिए, तब उनकी असलियत जनता के सामने आएंगी, शिवसेना उनके सामने आएगी। देखिए, हम इतने शिवसैनिक है यहाँ पे और एमएलए भी है, मतलब उसको ज्यादा अहमियत है, हम शिवसैनिक से हमको ज्यादा नहीं समझते, क्योंकि हम लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। हम बार बार बोल रहे हैं कि पवार साहब का साथ छोड़िए, कांग्रेस का साथ छोड़िए, तो हम लोग इकट्ठा आएंगे, वो सुने नहीं। और कल हमने अल्टीमेटम दिया था कि इसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, ये तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। शिंदे साहब अगर करना चाहते तो उनकी मर्जी है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, वो वक्त अभी निकल चुका है, अब तो फ्लोर टेस्ट ही होगा, और फ्लोर टेस्ट में अगर अभी तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में अगर हम नहीं भी जाएंगे तो भी वो वैसे भी सरकार जाने ही वाली है, क्योंकि उनका बहुमत नहीं रहा, अपक्ष भी उनको पराभूत कर सकते हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा दीपक जी? फडणवीस? वो तो बीजेपी को डिसाइड करना है, शायद फडणवीस साहब हो, क्योंकि वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, तो बीजेपी को डिसाइड करना है, और शिंदे साहब से बात करके वो डिसाइड कर लेंगे। दूसरी चीज मुझे ये बोलनी है कि जो गलत ये कैसे ये करते, देखिए ये बोल रहे थे कि फ्लड सिचुएशन में फिर भी अब आसाम में आ गए, हम जब आए थे तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, और फिर एक भी मंत्री यहाँ पे आके नहीं बैठा था अपना काम छोड़के, वो अपने काम में जुटे हुए हैं। फिर हमारे जो नेता है शिंदे साहब, उन्होंने जो सीएम रिलीफ फंड है उसके लिए भी 50 लाख का डोनेशन दिया है, और जो हमारे यहाँ पे दुर्घटना हुई महाराष्ट्र में, वो हर फैमिली जिससे आदमी गुजर चुके हैं उनको 5 लाख रुपया, और जो इंजर्ड है उनको भी 1-1 लाख रुपया उन्होंने अनाउंस किया है, वो पहुंच भी जाएगा कल तक। तो ये सब हम लोग करते हैं, फिर भी एक गलत एक दबाव तंत्र बनाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं, तो हम अपना खुद का बिल भर के रह रहे हैं ना, इनके साथ सब इतना कर रहे हैं, तो आपको क्यों जलन होती है? पहले भी हम लोग जब ऐसे कोई इलेक्शन होती थी तो हम इकट्ठा ही रहते थे, तो ये शिंदे साहब करते थे और वो ऑफिशियली चेक से पेमेंट करते, तो आपको क्या है ये? यू शुड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आप मुंबई में ही रहेंगे या मुंबई से थोड़ी दूरी पर स्थित रहेंगे? जी, मुंबई से करीब वाली दूरी पे हम लोग रहेंगे, हम क्यों मुंबई आए? और जवाब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कल अगर कोई भी उसको ब्रेक करेगा तो हम कंटेंट ऑफ कोर्ट करेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट से ये की, दैट इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी, वो तो सबसे ऊपर है, तो उनका भी कहना अगर महाराष्ट्र में नहीं माना जाए तो ये तो जो करेंगे ना वो उसकी सजा भी भुगतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।